हे गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। मैं हूँ योगेश और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हैं। हम तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ तो 100 मिली सेकेंड होगी, तब 1 सेकेंड होगा और 60 सेकेंड में 1 मिनट होगा, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे कि ये सब टाइम है, जैसे कि स्टार्ट करके भी आप इस टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर रीसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे हम बनाते हैं उसको, उसका हम क्या क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे आज मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो ये मेरे ट्यूटोरियल में आप बने रहना लास्ट तक। सबसे पहले तो मैं एक्सकोड ओपन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसके अंदर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, iOS के अंदर सिंगल वे एप्लीकेशन एंड स्टॉप वॉच ट्यूटोरियल, उसको मैं नेक्स्ट करके सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारा डिज़ाइनिंग पोर्शन सबसे पहले मैं करता हूँ। तो मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाके पहले तो मैं लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। उसको सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है गाइस। अभी देखो यहाँ पे मैं पहले तो उसको सेंटर में ले लेता हूँ, उसका फॉन्ट 20 कर देता हूँ, कलर में इसका वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे जाके उसका नाम में मिनट का MIN कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे बैग ये जो है उसका कलर अभी मैं ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जाके मैं ओके इसका नाम मैं यहाँ पे सेकंड और उसका मिली सेकेंड, सो मैं यहाँ पे MILI लिख देता हूँ। इतना हो जाने के बाद फिर से लेबल ले लेता हूँ, उसको मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ सेंटर में, उसको ऐसे सेंटर में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 00 उसकी फॉन्ट यहाँ से मैं चेंज, देखो फॉन्ट के अंदर यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ, और कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे सेंटर में, इसको भी यहाँ पे मैं ऐसे सेंटर में ले लेता हूँ, हो गया। इसके बाद बटन ले लेता हूँ मैं, इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये कर देता हूँ, कौन सा अच्छा कौन सा लगेगा इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद जो फॉन्ट है उसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी सेट कर देते हैं अच्छे से, उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ओके। तो इसका नाम मैं स्टार्ट दे देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद स्प्लिट, उसके बाद रीसेट। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे टेबल व्यू सर्च करो, टेबल व्यू देखो, इसको टेबल को सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, देखो मैं इसको इतना ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर है वो नन कर देता हूँ, उसके बाद टेबल यू सेल यहाँ पे रख दो, ये टेबल यू सेल का यहाँ पे आइडेंटिफायर है वो सेल कर देता हूँ मैं, ठीक है। आइडेंटिफायर हमें टेबल यू सेल का देना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेल के अंदर सब डेटा डालना होता है इसलिए। उसके बाद टेबल यू पे जाके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे फर्स्ट बटन में जाके डेटा सोर्स और डेलीगेट,
ये दो असाइन करने के बाद अभी मेरे ख्याल से, हाँ अभी एक और लेबल लेना होगा, उसको सेल के अंदर हम डाल देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं। उसके अंदर हम सब वैल्यूज जो रिकॉर्ड डालेंगे, जब वो स्प्लिट होगा तो डायरेक्टली रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसको मैं सेंटर में करके उसकी साइज 20, कलर वाइट, और ये जो सेल है उसका कलर बैकग्राउंड में ब्लैक दे देता हूँ, और ये टेबल व्यू का भी कलर बैकग्राउंड का ये रहा, उसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और ये जो लेबल है उसका कलर हमें वाइट करना होगा, ये रहा दूसरा लेबल, उसका वाइट, इसका भी वाइट। सो अभी डिज़ाइनिंग पोर्शन सब हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे जाके व्यू कंट्रोलर डॉट एच फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें सबकी प्रॉपर्टी बनानी होगी। सो ये जो है लेबल, उसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ऐसे टचअप करा दो। उसका नाम मैं दे देता हूँ लेबल मिनट का MIN, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मिली का है, सो सिंपली यहाँ पे जाके लेबल MILI, सबकी आउटलेट बना देनी होगी, ठीक है। लेबल की कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे टचअप करा दो, LBLSEC सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टार्ट बटन है, तो सबका बटन की हमें एक्शन बनानी होगी। सिंपली ऐसे टचअप करा के कनेक्शन में एक्शन स्टार्ट, उसके बाद ये स्टॉप, कंट्रोल प्रेस करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। नाम यहाँ पे स्टॉप दे देता हूँ, कनेक्शन में एक्शन कनेक्ट, उसके बाद स्प्लिट, कंट्रोल प्रेस, सिलेक्ट एक्शन, यहाँ पे नाम देना है स्प्लिट। उसके बाद रिसेट बटन के लिए यहाँ पे जाके एक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे रिसेट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ये जो टेबल व्यू है उसकी भी मैं यहाँ पे आउटलेट बना देता हूँ, उसका नाम टेबल व्यू दे देता हूँ, ठीक है गाइस। इतना करना है, उसके बाद अभी सिंपली डायरेक्टली गो टू दी व्यू कंट्रोलर डॉट एच फाइल। यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मुझे एक एरे बनाना होगा, जिसके अंदर मैं जब डेटा डालने वाला हूँ। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी बना देता हूँ एरे के लिए, स्ट्रॉन्ग नॉन एटॉमिक NS म्यूटेबल एरे, उसका नाम मैं एरे डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मिनट मिली मिनट मिली सेकेंड और सेकेंड के लिए तीन स्ट्रिंग बना दूंगा। उस स्ट्रिंग के अंदर, मिली की स्ट्रिंग के अंदर मैं मिली की वैल्यू डालूंगा, मिली सेकेंड में मिली सेकेंड की, और सेकेंड के अंदर सेकेंड की। तो सबसे पहले मैं तीन स्ट्रिंग यहाँ पे बना देता हूँ, प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग नॉन एटॉमिक NSString, और यहाँ पे STR मिली, ठीक है। उसको सिंपली मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं STR सेकेंड और STR मिनट। अभी ये तीन तीनों जो स्ट्रिंग है उसको मैं एक और स्ट्रिंग के अंदर मैं स्टोर करूँगा। तो एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसका नाम मैं दे देता हूँ STR हिस्ट्री, ठीक है गाइस। अभी मैं एक बार आपको बोल देता हूँ मैंने क्या किया कि जो लेबल है, तीन जो लेबल है, 00 जो है उसका नाम मिनी मिली एंड सेकेंड दे दिया। जो चार बटन लिए उसकी मैंने एक्शन बना दी, टेबल यू की आउटलेट, एक एरे लिया है और चार स्ट्रिंग लिए, ये तीन तो यही है मिली सेकेंड सेकेंड और मिनट के लिए, और एक जो है जो हिस्ट्री के लिए मैंने ले लिए। उसके बाद यहाँ पे जाके मुझे टाइमर चाहिए, तो NSTimer, उसका नाम मैं टाइमर ले लेता हूँ, और इंटीजर MILI, इंटीजर सेकेंड के लिए SEC एंड इंटीजर मिनट के लिए MIL, ठीक है गाइस। इतना पोर्शन हमारा व्यू कंट्रोल डॉट एच में सब हमने डिक्लेरेशन कर दिया।
उसके बाद डायरेक्टली गो टू व्यू कंट्रोलर डॉट एम में जाके यहाँ पे सिंथेसाइज करा देते हैं सभी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले लेबल करा देते हैं, लेबल मिनट, लेबल सेकेंड एंड लेबल मिली सेकेंड। उसके बाद स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग मिली सेकेंड, स्ट्रिंग मिनट, स्ट्रिंग सेकेंड एंड स्ट्रिंग हिस्ट्री। टेबल व्यू की जो आउटलेट बनाई उसको भी कर देते हैं, और हमारा एरे जो था वो हमने सिंथेसाइज सब कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जाके एरे डेटा इज इक्वल्स टू सिंपली हमें एरे को एलोकिनेट कर देते हैं, म्यूटेबल एरे एलोक एंड इनिट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो इंटीजर मैंने लिए हुए मिनट सेकंड के उसका मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके मिली इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सेकंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड मिनट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है गाइस, उसके बाद व्यू कंट्रोल डॉट एच में जाके यहाँ पे UI टेबल व्यू डेलीगेट एंड UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। ठीक है, फिर विंडो प्रेस करके डेटा सोर्स पर क्लिक करके ये जो रिक्वायर्ड मेथड है टेबल व्यू की उसको मैं कॉपी कर देता हूँ और व्यू कंट्रोल डॉट एम में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो कॉमन कॉमेंट है वो हटा देता हूँ अभी मैं पहले। तो उसके बाद रिटर्न यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, हमें कितने सेक्शन चाहिए, तो जितने एरे एरे के अंदर जितनी वैल्यू होगी हमें उतने सेक्शन चाहिए, तो एरे को काउंट करा देता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके यू आई टेबल व्यू सेल, उसके नाम में सेल दे देता हूँ। उसके बाद टेबल व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल विथ आइडेंटिफायर, हमने आइडेंटिफायर यहाँ पे सेल दिया था। देखो यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाके यह जो सेल है उसका आइडेंटिफायर ये रहा, जो हमने सेल यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें वहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद इफ़ सेल जो हमारी सेल है अगर वो खाली है तो हमें क्या करना होगा, सेल इज इक्वल्स टू यू आई टेबल विद सेल एलोक एंड इनिट विथ स्टाइल। उसके अंदर यहाँ पर देखो यू आई टेबल व्यू सेल स्टाइल, तो वही लिखना है हमें यू आई टेबल व्यू सेल स्टाइल डिफॉल्ट, और आइडेंटिफायर क्या है वो लिख दो यहाँ पे, वो आइडेंटिफायर सेल है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो मेन डॉट स्टोर बोर्ड में अभी हम टेबल व्यू के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, टेबल व्यू और टेबल व्यू सेल के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, तो उसकी ही बात करेंगे। उसके बाद फिर हम ये पोर्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने एक लेबल लिया हुआ है कि जैसे ही स्प्लिट होगा तो वो यहाँ पे लेबल है वहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जो लेबल है उसके ऊपर क्लिक करके फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे टैग दिया हुआ है वो वन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये टैग की वैल्यू से हम इस लेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्ट्रिंग बना देते हैं पहले तो एन एस स्ट्रिंग, उसका एस टी आर डेटा इज इक्वल्स टू एन ए स्ट्रिंग वेट। यहाँ पे जाके एरे डेटा ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स इंडेक्स पाथ सॉरी इंडेक्स पाथ डॉट रो, एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने एरे को पास करा दिया, स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे एरे को पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद यू आई लेबल, उसका नाम मैं लेबल दे देता हूँ इज इक्वल्स टू यू आई लेबल, जो लेबल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखने से हम यू आई लेबल लिखने से हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेल व्यू विथ टैग, हमने टैग यहाँ पे वन दिया हुआ है लेबल का, तो वो लिख देते हैं। उसके बाद लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एस टी आर डेटा। ठीक है, इतना ही करना है, उसके बाद सिंपली सेल को रिटर्न करा दो एक बार। ठीक है गाइस, अभी टेबल का सब पोर्शन फिनिश हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो एक स्ट्रिंग बना दी, एक स्ट्रिंग के अंदर हमने
एरे है उसका डेटा, जो एरे का डेटा है वो वहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दिया, और लेबल के जो टैग है वन वो यूज़ कर दी हमने स्ट्रिंग में डाल दिया, ठीक है। ऐसे क्या अभी जब भी यहाँ पे आएगा वो टैग नंबर वन में जाएगा, और टैग नंबर वन हमारा लेबल है, उसके अंदर जो सेल की जो भी वैल्यू होगी, जो एरे डेटा की जो वैल्यू होगी वो लेबल पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन के लिए हमें क्या करना है। सो अभी जब भी वो स्टार्ट होगा, अगर हम स्टार्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले तो टाइमर इज इक्वल्स टू एन एस टाइमर शेड्यूल विथ टाइम, शेड्यूल टाइम विथ टाइम इंटरवल, जो थर्ड मेथड है टारगेट वाली है उसको सिलेक्ट कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल यहाँ पे 0.01, टारगेट है सेल्फ, और सिलेक्टर अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, और यूज़र इन्फो नील एंड रिपीट यस, रिपीटेशन क्योंकि यहाँ पे होने ही वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंपली मैंने यस कर दिया। उसके बाद स्टॉप में जाके टाइमर इनवैलिड डेटा, ठीक है, इससे वो इनवैलिड हो जाएगा, वो पॉज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड में यहाँ पे ले लेता हूँ void show, और मैं यहाँ पे helper method, ऐसे method मैंने एक बना दी। सो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे selector के अंदर @ selector और यहाँ पे लिखना है method का नाम जो है helper method, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्प्लिट में, तो जब स्प्लिट होगा तो क्या होगा कि जो भी डेटा है वो स्प्लिट होके आ जाना चाहिए। तो हमने एक हिस्ट्री बनाई थी स्ट्रिंग की, str हिस्ट्री हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी उसके अंदर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, nstring स्ट्रिंग विथ फॉर्मेट, यहाँ पे देखो मैं percentage at the rate यहाँ पे str, हमें किस फॉर्मेट में हमें स्प्लिट होके आनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मिनट आनी चाहिए, उसके बाद सेकंड आनी चाहिए, उसके बाद मिली, जो मिली सेकंड है वो, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे एरे डेटा है उसको एड ऑब्जेक्ट str हिस्ट्री, उसको ऐड कर देते हैं, और जो भी वैल्यूज होगी टेबल के अंदर, ठीक है, उसे रीलोड करा देंगे। अभी ओके, यहाँ पे अभी रीसेट करने पे क्या होगा, रीसेट करने पे जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज़ 0-0 हो जानी चाहिए, जब भी मैं रीसेट करूँगा तो सभी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो टाइमर है उसको पहले इनवैलिड कर देते हैं, उसके बाद हमने जो लेबल लिया हुआ है वो लेबल मिली का जो लेबल है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे 0-0 कर देते हैं, जब भी रीसेट होगा जो मिली का जो 0-0 वाला होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद लेबल डॉट, यहाँ पे लेबल सेकंड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 0-0, लेबल मिनट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 0-0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरे डेटा रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट होने पे सब ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद ओके रीसेट होने पे सभी ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाने चाहिए, तो टेबल यू जो है उसका डेटा रीलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, अभी लास्ट में यही बाकी है, उसके अंदर हमें हेल्पर मेथड को डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो मेन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मिली इज़ इक्वल्स टू जो हमारी इंटीजर वैल्यू है वो
जब भी यहाँ पे आएगी तो वो क्या होगी, प्लस वन हो जाएगी। मिली की जो वैल्यू है वो प्लस वन हो जानी चाहिए। और उसके बाद इफ़ मिली इज इक्वल्स टू 100, मिली सेकेंड 100 होगी तब 1 सेकेंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिली सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देता हूँ और सेकेंड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, सेकेंड प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इफ़ सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 होगा, जब सेकेंड 60 होगी तो 1 मिनट होगा, तो यहाँ पे सेकेंड को 0 कर दो और मिनट इज इक्वल्स टू मिनट प्लस 1, ठीक है। इतना हमें यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जब भी 100 होगी, पहले तो मिली की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। स्टार्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट ऊपर क्लिक होगा, उसके बाद ये मेथड यूज होगी। तो जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली जाएगी ये मेथड पे, ये मेथड यहाँ पे मिली इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है। जो क्या होगा, जो ये मिली है वो 1 2 3 4 5 से जैसे चालू हो जाएगा। जब वो 100 होगा तब ये प्लस 1 हो जाएगा, और जब वो 60 होगा तब ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यही फंडा यहाँ पे है, आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरी लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे जाके इफ़ मिली इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, सॉरी लेस देन 10, सो यहाँ पे str मिली इज इक्वल्स टू एन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विथ फॉर्मेट परसेंटेज i, यहाँ पे मिली की जो भी वैल्यू हो वो इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, जो हमारा इंटीजर है वो, ठीक है। उसके बाद एल्स str मिली इज इक्वल्स टू एन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विथ फॉर्मेट परसेंटेज i mili, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2 बार। अभी यहाँ पे हम सेकेंड और यहाँ पे मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके str सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू होगी सेकेंड की। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू होगी सेकेंड की, यहाँ पे str sec। उसके बाद यहाँ पे होगा मिनट str मिनट, और यहाँ पे str मिनट, यहाँ पे मिनट की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो लेबल की जो वैल्यूज़ है अभी, वो क्या अभी वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो लेबल पे प्रिंट करनी होगी। सो क्योंकि हमने सभी स्ट्रिंग की वैल्यू ली है, तो ये जो ये यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी, कहाँ पे वो, ओके, ये यहाँ पे फॉर्मेट हमने दिया हुआ था स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको मैं लेबल के ऊपर शो करा देता हूँ, ठीक है। सो str सॉरी जो भी वैल्यूज होगी, जैसे कि लेबल मिली की जो वैल्यू है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू str मिली, str मिली के अंदर की जो भी वैल्यूज होगी वो अभी लेबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेबल सेकेंड डॉट टेक्स्ट, जो भी वैल्यू होगी स्ट्रिंग के अंदर सेकेंड की वो अभी लेबल के अंदर सेकेंड में आ जाएगी। सेम मिनट, मिनट के लेबल के ऊपर हमें जो भी मिनट के लिए हमने स्ट्रिंग बनाई थी उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो भी वैल्यू अगर मिली जो स्ट्रिंग के अंदर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी लेबल के ऊपर, सेकेंड का सेकेंड की जो स्ट्रिंग है उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी लेबल के अंदर, ठीक है। ओके, अभी हो गया, इतना ही है। उसके बाद एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। ओके, रनिंग हो रहा है, ठीक है, हो गया। अभी मैं सिंपली इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी ये जब भी 100 होगा 1 हो गया, 100 2 हो गया, स्टॉप कर देता हूँ एक बार, ठीक है गाइस। उसको स्प्लिट करता हूँ 0 2 96, स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा स्प्लिट कर देता हूँ।
और रीसेट कर सकते हैं। ओके वैसे ही हम यहाँ पे टाइमर का यूज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है स्टॉपवॉच बनाने के लिए। ठीक है गाइस, ऐसे हम यहाँ पे स्टॉपवॉच बना सकते हैं। अगर रिगार्डिंग कोडिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर